बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल डिजीज पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लड़कियां लोगों को पीरियड की कई समस्याएं होती है, जो पीरियड के समय, पीरियड आने के पहले और आने के बाद जो है पेनफुल होता है। इसके लिए एक प्रेशर में बहुत ही आसान उपाय है, आप दाहिने हाथ के और बाएं हाथ के यहाँ कलाई पे प्रेशर दें, यहाँ पे दोनों तरफ डेली प्रेशर दें 5 मिनट। ये प्रेशर सिस्टम हो गया, और मैग्नेटिक एक्यूप्रेशर में भी बहुत सरल उपचार है। 6 बिंदु लगाए जाते हैं हाथ में, यहाँ पे इस जगह पे 6 से 7 बिंदु लगाएंगे तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी ठीक हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण कई प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बाल का झड़ना, या पैरों में दर्द होना, या टखना में दर्द होना। टखना में दर्द होने का मतलब है, आप समझ जाइए कि पीरियड प्रॉब्लम है। आप टखने के दोनों तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी मसाज करिए। तेल का मसाज जो है, वहाँ पे किडनी का पॉइंट होता है और लीवर का पॉइंट होता है और यूवी का पॉइंट होता है। दोनों तरफ आप अगर मसाज करते हैं, SP6 पॉइंट होता है, तो आपका पीरियड ठीक हो जाएगा, और पीरियड के चलते जो बाल झड़ता है, बाल भी ठीक हो जाएगा। वैसे बाल झड़ने के लिए आप कई और भी उपाय कर सकते हैं। खान पान ध्यान रखें, बाल में डैंड्रफ ना हो, और अपना देसी सरसों तेल का इस्तेमाल करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन इसे ज़रूर लगाएं, आपका बाल का भी समस्या ठीक हो जाएगा। पीरियड्स में आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ये भी सारी समस्याएं जो है हीमोग्लोबिन के कारण भी होता है। तो उसके लिए आप UV67 और UV15 जो यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ये दोनों पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगेगा और आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ खान पान में ध्यान रखें, आप हीमोग्लोबिन युक्त भोजन लें, जैसे बीट्स खाएं। बीट खाएंगे तो आपको जो है हीमोग्लोबिन बनेगा। इससे रिलेटेड कई भी और भी चीज़ हैं जो आप बाज़ार में अवेलेबल है, आप खा सकते हैं। धन्यवाद।